आज दिल्ली में खूब मजा चखाएंगे, अफगान सेना को भी धूल चटाएंगे, जब कंगारुओं की उधेड़ दी बखिया तो अफगानिस्तान कहां की चिड़िया। 11 अक्टूबर यानी आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना है। रोहित शर्मा जहां लगातार दूसरी जीत के लिए मैदान में उतरेंगे, तो वहीं अफगान सेना अपनी पहली जीत के लिए। लेकिन अंजाम शायद हम सबको पता है, इसकी वजह आंकड़ों में छिपी है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान ने अब तक वनडे क्रिकेट में कुल 3 मुकाबले खेले हैं। पहला वनडे मैच 2014 में मीरपुर में खेला गया था, तब टीम इंडिया को 8 विकेट से जीत मिली थी। 2018 में दुबई में हुआ मुकाबला टाई रहा था, जबकि 2019 में भारत ने 11 रनों से मैच अपने नाम कर लिया था। यानी कि अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन आज के मैच में क्या होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। हालांकि भारत के हौसले इस वक्त वैसे ही बुलंद हैं, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम को धूल चटाई है। 8 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने कंगारुओं को 6 विकेट से हराया था। हालांकि अब जब अफगानिस्तान से मुकाबला होने जा रहा है, तो उसे भी कमाकना ठीक बात नहीं। आंकड़ों को देखें तो भारतीय टीम दिल्ली में चौथी बार विश्व कप का कोई मैच खेलने जा रही है। 1987 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 56 रन से हराया था। हालांकि 1996 में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट से भारत को हार का सामना भी करना पड़ा था, जबकि 2011 में टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 5 विकेट से हराया था। इस तरह टीम ने दिल्ली में विश्व कप के 3 मुकाबलों में से 2 में जीत दर्ज की है। अब बात कर लेते हैं अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की, तो ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ बाउंड्री छोटी होने का फायदा बल्लेबाजों को मिलता है। हालांकि यहाँ पिच धीमी भी है, जिसके चलते स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है। इस स्टेडियम में वनडे के लिए पहली पारी का औसत स्कोर 250 के आसपास है, जबकि दूसरी पारी का 200 रन के करीब है। लेकिन इससे पहले श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का एक मैच हाई स्कोरिंग मैच रहा। उस मैच में रनों का पहाड़ खड़ा हो गया था। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका ने कुल मिलाकर 754 रन बनाए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड तोड़ 428 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका ने भी 326 रन टोक दिए। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि भारत और अफगानिस्तान का मैच भी क्या एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है या नहीं। इस मुकाबले में एक रिकॉर्ड भी टूट सकता है। इस रिकॉर्ड को कायम करने का मौका है विराट कोहली के पास। दरअसल विराट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम था। उन्होंने यहां 8 वनडे में 300 रन बनाए थे, जबकि कोहली के नाम 7 मुकाबलों में 222 रन हैं। ऐसे में अगर वो अफगानिस्तान के खिलाफ 79 रन बना लेते हैं तो वो सचिन से आगे निकल जाएंगे। लेकिन कोहली क्या ऐसा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे तो वो पूरी तरह फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए आखिरी मुकाबले में उन्होंने शानदार 85 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत टीम ने मैच में जीत भी दर्ज की थी। अब देखते हैं कि इस बार उनका बल्ला कितने रन उगलता है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो।